उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर चित्रकूट जिले के प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी चित्रकूट पहुंचे, जहां कलेक्ट्रेट में प्रेस वार्ता करते हुए 4 साल में हुए विकास कार्यों की किताब का उन्होंने विमोचन किया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए नंद गोपाल नंदी ने अपने 4 साल में हुए जिले में विकास कार्यों को गिनाया है। इस बीच मानिकपुर विधायक आनंद शुक्ला व जिलाधिकारी शुभ्रांत शुक्ला, एसपी अंकित मित्तल और जिले के अफसर व भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश खरे समेत पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी का कहना है कि वर्षों में जो नहीं हो पाया है वह 4 वर्ष में उनकी सरकार ने कर दिखाया है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं और चीजें हैं जो धरातल पर दिखाई दे रही हैं, और पॉलिटिकल पार्टी चाहे वह प्रियंका गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो और चाहे बसपा सुप्रीमो मायावती हो, इन सब का अपना अपना एक एजेंडा है। शानदार एकांत में बैठकर ट्वीट करने की राजनीति करते हैं हम लोग, और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता कोरोना काल में भी जनमानस की सेवा में लगे रहे। विरोधी खोई हुई जमीन या सत्ता पाने के लिए कार्य कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पोस्टर चिपकाने के मामले में मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव जी जो अपने पिता के नहीं हुए, केवल परिवारवादी पार्टी बनकर रह गए हैं। आज एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री की तरह पूरे प्रदेश में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में 130 करोड़ जनता के लिए काम कर रहे हैं। आप देखते थे कि जब बसपा की सरकार होती थी तो यादव बस्ती में काम बंद हो जाता था, और जब सपा की सरकार थी तो दलित बस्ती में आग लगा दी जाती थी, और सपा व बसपा की सरकार में नौकरी देने के नाम पर पैसों की उगाही की जाती थी। आज हमारी सरकार में यादव दलित व सभी जाति के लोगों की नौकरी लग रही है, वो भी बिना पैसे दिए। इसको सबका साथ सबका विकास कहते हैं। वर्षों में जो होना पाया 4 वर्ष में कर दिखाया, सेवा एवं सुशासन के 4 वर्ष, ऐसी बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो धरातल पर दिखाई दे रही हैं। और पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे वो प्रियंका जी हों, चाहे वो अखिलेश जी हों और चाहे मायावती जी बसपा से हों, इन सब के पास अपना अपना एजेंडा है। शानदार एकांत में बैठ करके ट्वीट करने की राजनीति करते हैं हम लोग, और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता कोरोना काल में भी जनमानस की सेवा में लगे रहे, और आज भी जिस तरह से कार्य किए जा रहे हैं हमारे कार्यकर्ता जनमानस की सेवा में लगे हैं, जनमानस के लिए कार्य कर रहे हैं, वो अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन या एक कह लीजिए उसके लिए कार्य कर रहे हैं। और हम हमारे लिए पॉलिटिक्स सत्ता पाने का साधन नहीं है, हमारे लिए है पॉलिटिक्स जन सेवा और जन सामान्य के प्रति उनको समर्पित भाव से उन्होंने हमें मौका दिया है, तो उनके लिए हम कार्य। सभी जाति धर्म के बच्चों की नौकरियां लगी है और बिना पैसे दिए हुए लगी, तो इसको सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास कहते हैं। यही इनके पेट के दर्द का कारण है। सारा विपक्ष अपनी खोई हुई जमीन खोजने के उसमें लगा है, जनता ने इनको नाकार दिया है। निश्चित रूप से हमने 2014 में कर दिखाया है, हमने 2017 में कर दिखाया, हमने 2019 में कर दिखाया, हमने उपचुनाव में कर दिखाया, 2022 में भी हम प्रचंड बहुमत। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन।